अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 5 अडोब फ्लैश एनिमेट सीसी, पेज नंबर 96। ओके क्लास, कल हमने ब्रश टूल तक रीडिंग की थी, आज हम पेंट बकेट टूल से स्टार्ट कर रहे हैं। रीड आउट करते हैं इसको। द पेंट बकेट टूल अलाउ अस टू फिल इन क्लोज एरिया विद सॉलिड कलर और द ग्रेडियंट फिल। ठीक, अब पेंट बकेट टूल वो वाला टूल है जिसकी मदद से हम इन क्लोज्ड एरियाज़ को कलर करते हैं। ठीक है, इन क्लोज्ड एरिया वो वाले एरियाज जो के टोटली क्लोज्ड होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं होता। लेट सपोज अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रा करूं, ठीक, और अगर मैं उसके कहीं पर भी थोड़ा सा गैप रख दूं तो वो इनक्लोज्ड नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर गैप होगा तो, अगर मैं बिल्कुल भी गैप नहीं रखूंगी तो वो इनक्लोज्ड होगी। अगर हम पेंट बकेट टूल को यूज़ करते हुए इसमें कलर करने की कोशिश करेंगे तो वो कलर नहीं करेगा। ठीक है, वो बस किस में कलर करेगा, इनक्लोज्ड फिगर में, सही, विद सॉलिड कलर्स और ग्रेडियंट फिल। अब ग्रेडियंट फिल कौन सा होता है इसको देखते हैं आगे हम। ग्रेडियंट कलर्स आर दोज कलर दैट डिस्प्लेस मोर देन वन कलर बाय ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम वन कलर टू अनदर और फ्रॉम वन कलर टू दी ट्रांसपेरेंसी। यानी कि एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होते हुए दिखाना या फिर एक कलर से ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना, वो कौन से कलर होते हैं, ग्रेडियंट कलर्स। ठीक है, वी कैन फिल एम्प्टी एरियाज एंड आल्सो चेंज द कलर्स ऑफ ऑलरेडी पेंटेड एरियाज यूजिंग दिस टूल। व्हेन पेंटिंग यू मे नॉट बी एबल टू फिल सम एरियाज डैट आर नॉट इंटायरली इनक्लोज्ड यूजिंग द पेंट बकेट टूल। यहाँ पर वही वाली बात, अगर वो टोटली इनक्लोज नहीं है तो वहाँ पर पेंट बकेट टूल कलर नहीं करेगा। फॉर दिस यू मे चूज टू क्लोज दीज गैप्स यूजिंग द गैप्स एज मॉडिफायर अवेलेबल इन द ऑप्शन एरिया ऑफ द टूल पैनल। ठीक, अब जब हम पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी पैनल में उसकी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले होंगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में से हम क्या उसको करेंगे, गैप साइज मॉडिफायर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या ऑप्शन आएगा, डोंट क्लोज गैप्स, क्लोज स्मॉल गैप्स, क्लोज मीडियम गैप्स और क्लोज लार्ज गैप्स। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर हम क्लिक कर देंगे। गैप साइज मॉडिफायर, इन द गैप साइज मॉडिफायर वी कैन सेलेक्ट डोंट क्लोज गैप ऑप्शन इफ़ वी वांट टू क्लोज द गैप मैनुअली, अदरवाइज वी कैन सेलेक्ट वन ऑफ द गैप ऑप्शन टू मेक एनिमेट फिल अ शेप दैट हैज़ अ गैप इन इट। अब उसके स्टेप्स गिवन है, स्टेप्स को देखते हैं। द स्टेप्स टू यूज द पेंट बकेट टूल टू फिल एन एरिया, सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ओके क्लास, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करें। सेकंड स्टेप क्या होगा, आप कलर सेलेक्ट करें। थर्ड स्टेप क्या होगा, आप गैप साइज मॉडिफायर को सिलेक्ट करें अगर उसके रिक्वायर्ड है, अगर वो रिक्वायर्ड है, अगर आपकी डायग्राम जो सी आपकी फिगर जो है वो टोटली क्लोज्ड नहीं है। ठीक, उसको गैप को फिल करें और देन क्या करें, उस पर स्टेज पे कहीं पर भी क्लिक करें जहाँ पर आपने कलर करना है तो वहाँ पर कलर हो जाएगा। ओके क्लास, स्टेप्स देखते हैं आप। सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल फ्रॉम द टूल पैनल, सेलेक्ट अ कलर फ्रॉम द कलर फिल कलर पैलेट। यू कैन चूज टू पिक अ सॉलिड कलर और द ग्रेडियंट कलर। ठीक है, ग्रेडियंट कलर हमने वो वाला ऊपर भी पढ़ा, रीड आउट किया, ग्रेडियंट कलर कौन से होते हैं जो ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, वन कलर टू सेकंड कलर। क्लिक ऑन द गैप साइज मॉडिफायर एंड सेलेक्ट अ गैप साइज ऑप्शन इफ रिक्वायर्ड। क्लिक ऑन द शेप दैट यू वांट टू फिल। नेक्स्ट है हमारे पास इंक बॉटल टूल, इसको रीड आउट करते हैं। द इंक बॉटल टूल अलाउज अस टू चेंज द कलर थिकनेस एंड द स्टाइल ऑफ द स्ट्रोक और इवन द आउटलाइंस ऑफ द शेप्स। अब इंक बॉटल टूल वो वाला टूल है जिसकी मदद से हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, उसके हम कलर चेंज कर सकते हैं, थिकनेस चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक क्या था, उसकी बाउंड्री, उसके बॉर्डर और आउटलाइन उसकी। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, स्टेप वन क्या है उसको सेलेक्ट करेंगे, स्टेप टू क्या है कलर्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे, थिकनेस सेलेक्ट करेंगे, स्टेप थ्री क्या होगा उस पर क्लिक करेंगे जिसमें हमने चेंजेस को अप्लाई करना है। अब यहाँ से रीड आउट करते हैं। Select the ink bottle tool from the tool panel. Select a stroke color, यानी कि border का color. Style, thickness from the property panel. Click on an object on the stage to which you want to apply the new stroke. ठीक, यहाँ पर उन्होंने यहाँ से changing की, उसके बाद हमने stage पर click करना है जिसमें हमने changes apply करनी है। अब यहाँ पर क्या है, the shape before the ink bottle tool is applied.
ये वो वाली शेप है अभी जिस पे हमने इंक पोर्टल टूल अप्लाई नहीं किया, ठीक। और ये वो वाली शेप है द शेप आफ्टर द इंक पोर्टल टूल इज़ अप्लाइड, इसका हमने स्ट्रोक चेंज कर दिया, ठीक है। स्ट्रोक इसका यहाँ पर चेंज हुआ है। ओके क्लास, नेक्स्ट है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। ड्रॉपर टूल रीड आउट करते हैं, व्हेन वी यूज़ द आई ड्रॉपर टूल टू कॉपी द फिल एंड स्ट्रोक एट्रीब्यूट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज, उसके ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको कॉपी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एक डायग्राम बनी हुई है, उसके एट्रीब्यूट्स को हमने कॉपी करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई ड्रॉपर टूल, ठीक। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्ट्रोक वी यूजिंग द आई ड्रॉपर टूल इट ऑटोमेटिकली चेंजेस टू द इंक बॉटल टूल, जब हम स्ट्रोक पे क्लिक कर रहे हैं आई ड्रॉपर टूल को यूज़ करते हुए, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल को हमने यूज़ करते हुए जब हमने स्ट्रोक पे क्लिक किया है, यानी कि उसके बॉर्डर्स पे जब क्लिक करेंगे, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस टू द इंक बॉटल टूल, तो वो इंक बॉटल टूल में चेंज हो जाएगा। एंड व्हेन वी क्लिक द फिल्ड एरियाज, यानी कि सेंटर में जो एरिया है उसको फिल कर, उस पर क्लिक करेंगे यूजिंग द आई ड्रॉपर टूल, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस टू द पेंट बकेट टूल, यानी कि फिर वो पेंट बकेट टूल की तरह काम करेगा, ठीक। लेट अस मेक एन एग्जांपल ऑफ कॉपिंग द स्ट्रोक एट्रीब्यूट ऑफ अ रेक्टेंगल ऑन एन ओवल। द स्टेप्स टू यूज द आई ड्रॉपर टूल आर एज फॉलोस, ठीक। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, स्टेप वन क्या होगा, आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये डायग्राम में हमें क्या दिखाया हुआ है, स्ट्रोक एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर रहे हैं रेक्टेंगल के ओवल में, ठीक है। और जब हम स्ट्रोक एट्रीब्यूट को कॉपी करते हैं तो आई ड्रॉपर टूल किस में चेंज होता है, इंक बॉटल टूल में, ठीक। अभी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट किया, ठीक, और उसके बाद हमने स्ट्रोक पे क्लिक किया रेक्टेंगल के। जैसे ही हमने स्ट्रोक पे क्लिक किया तो वो ये स्ट्रोक हमारा किस में चेंज होगा, इंक बॉटल टूल में। यहाँ पर देखें वो इंक बॉटल टूल में चेंज हो गया, और यहाँ पर इस पर जब क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक का कलर रेक्टेंगल वाला हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल में जो कलर था यहाँ पर वो वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। स्टेप्स देखते हैं, आप सेलेक्ट द आई ड्रॉपर टूल, क्लिक द ऑब्जेक्ट स्ट्रोक और द फिल एट्रीब्यूट वी वांट टू कॉपी, इन दिस केस क्लिक ऑन द स्ट्रोक ऑफ द रेक्टेंगल शेप, द टूल ऑटोमेटिकली चेंजेस टू द इंक बॉटल टूल, क्लिक दिस ऑब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू अप्लाई द न्यू एट्रीब्यूट्स टू, इन दिस केस क्लिक ऑन द स्ट्रोक ऑफ द ओवल टूल। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या होगा, इरेज करने के लिए यूज़ होगा। द इरेजर टूल इज़ यूज टू रिमूव और इरेज एन अनवांटेड पार्ट ऑफ द ग्राफिक फ्रॉम द स्टेज। देर आर थ्री मॉडिफायर अवेलेबल ऑफ द इरेजर टूल्स विच इंक्लूड द इरेजर मोड मॉडिफायर, फॉसेट मॉडिफायर एंड द इरेजर शेप मॉडिफायर। ओके क्लास, फर्स्ट वन हमारा क्या था, इरेजर मोड मॉडिफायर, ठीक है। लेट अस डिस्कस दीज द वेरियस इरेजिंग ऑपरेशंस। फर्स्टली क्या है, टू क्विकली रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द स्टेज डबल क्लिक द इरेजर टूल, और सेकंड हमारे पास क्या है, यूजिंग फॉसेट मॉडिफायर, ठीक है। टू रिमूव द स्ट्रोक और द फील्ड एरियाज फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब फॉसेट मॉडिफायर को यूज़ करते हुए हम या तो उसके फील्ड एरिया को रिमूव कर सकते हैं या फिर हम उसके स्ट्रोक को रिमूव कर सकते हैं, ठीक। ओके क्लास, स्टेप्स देखने से पहले इसकी डायग्राम को देखते हैं। स्टेप वन क्या होगा, इरेजर टूल को सिलेक्ट करें, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फॉसेट मॉडिफायर को सिलेक्ट करना है, ठीक। फॉसेट मॉडिफायर को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर हम फील्ड एरिया को रिमूव करना चाहते हैं तो फील्ड एरिया पे क्लिक करेंगे, अगर हम उसके स्ट्रोक को रिमूव करना चाहते हैं तो स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। The shape before the faucet modifier is applied, ठीक है, अभी ये वाली shape है। The shape before the faucet modifier is applied in the field areas, जैसे ही field area में apply किया जाएगा field area remove हो जाएगा लेकिन stroke वही रहेगा। The shapes before the faucet modifier is applied on the stroke, stroke पे apply जब किया तो हमारे पास stroke remove हो गया। अब स्टेप्स देखते हैं, सेलेक्ट द इरेजर टूल, क्लिक ऑन द फॉसेट मॉडिफायर इन द ऑप्शन एरिया ऑफ द टूल पैनल, द पॉइंटर चेंजेस टू द ड्रिपिंग फॉसेट आइकन, क्लिक ऑन द स्ट्रोक और द फील्ड एरिया दैट यू विश टू रिमूव। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, टू इरेज बाय ड्रैगिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स।
इसके स्टेप्स क्या हैं, फर्स्टली सेलेक्ट द इरेजर टूल, देन सेकंड स्टेप क्या है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इरेजर मोड मॉडिफायर, द फॉलोइंग इरेजिंग मोड मॉडिफायर्स आर अवेलेबल। फर्स्ट वन क्या है, इरेज नॉर्मल, इरेज एवरीथिंग बी इट अ स्ट्रोक और फिल व्हेन द इरेजर टूल इज ड्रैग्ड ओवर इट। ठीक है, जैसे अरेज नॉर्मल होगा, जैसे उसके ऊपर ड्रैग करेंगे चाहे वो स्ट्रोक का चाहे फील्ड एरिया, वो उसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट क्या हमारा, अरेज फिल, इरेज फिल ओनली इरेजेज ओनली द फिल विदाउट इफेक्टिंग द स्ट्रोक्स, जस्ट फील्ड एरिया को रिमूव करेगा, स्ट्रोक को रिमूव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इरेज लाइन्स, इरेज ओनली द स्ट्रोक्स विदाउट इफेक्टिंग द फील्ड्स। नेक्स्ट क्या है, इरेज सेलेक्टेड फील्ड्स, erases only the selected fields without affecting the strokes whether selected or not. Erase inside, erase only the field or which you start erasing without affecting the strokes. Next क्या हमारे पास, select the eraser shape modifier or select the shape or size of the eraser. Make sure that the faucet modifier is not selected. ठीक, नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्लिक एंड ड्रैग द इरेजर टूल ऑन द स्टेज, जिस शेप को आपने इरेज करना है उसको ड्रैग करना स्टार्ट करें, वहाँ पर स्टेज पे वो इरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके क्लास, यहाँ तक आपने डेट मेंशन करनी है। आज हमने 96 टू 100 रीडिंग की है। ठीक, आपने क्या करना है, इस रीडिंग को अच्छे से रीड आउट करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने खुद से हाईलाइट करके, अपने रीडिंग में से आपने खुद ढूंढने हैं, इनको हाईलाइट करके लर्न करना है। एज अ ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, एज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। Okay, best of luck.